हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाट आर योर बॉडी पेन्स टेलिंग यू। आपने सुना है कभी बॉडी एक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, फिजिकली सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारा सोल्यूशन नहीं होता, कभी ऐसा सुना है? बहुत सारे ना हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं और कई बार पेशेंट की फैमिलीज भी आती हैं जो कहती हैं हमें साइकोलॉजिकली कुछ भी नहीं है, हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस पेट दर्द होता है, हमें तो बस उल्टी आने का मन करता है, हमें तो बस चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, हमें साइकोलॉजिकली कुछ नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी पेन्स होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ अंदेशा दे रही है, संदेश दे रही है, जिसे हमें टाइम पे समझ आना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। स्ट्रेस इज इक्वल टू साइकोसोमैटिक पेन। जो स्ट्रेस होता है ना, आजकल हमने स्ट्रेस का वर्ड बहुत सुना हुआ है, छोटे से बच्चे भी 3 साल के 5 साल के बोलते स्ट्रेस हो गया, आपने मुझे स्ट्रेस दे दिया, उसने मुझे स्ट्रेस दे दिया, आज मुझे स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस होता क्या है बेसिकली? स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है उसमें फिजिकल सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। जितने हमें फिजिकल सिम्टम आ रहे होते हैं, हमें बॉडी में सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजिकल कंडीशन ही होती है, हमारा कोई ना कोई स्ट्रेस ही होता है। हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज एनी सिचुएशन। कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ गई है, कोई ऐसे हालात आ गए हैं, कोई परिस्थिति आ गई है जो हमसे हैंडल नहीं हो रही, हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। देन कम्स टॉलरेंस। टॉलरेंस होती है हमारा बर्दाश्त करने का मादा। हम कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें टॉलरेट नहीं हो रही है, हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ जाता है। देन कम्स र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, चुगाली। जैसे गाय भैंस चुगाली करते हैं, वैसे हम ब्रेन में अपने थॉट्स की रूमिनेशन करते हैं। आपको सबसे इजी आंसर है इस चीज़ का कि स्ट्रेस क्या है, अगर कोई भी सोच आपको 2 मिनट से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है उस सोच ने हमें फंसा लिया। अगर कोई भी सोच बार बार आपके मन में आ रही है, आज मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई कि वो बात निकल ही नहीं रही है, आज सारा दिन मुझे वही सोच परेशान करती रही है, कल भी उसी सोच ने परेशान किया, परसों भी उसी सोच ने परेशान, इसको बोलते हैं र्यूमिनेशन ऑफ थॉट्स, कि हमारी र्यूमिनेशन चली जा रही है जो हमें स्ट्रेस दे रही है। अब एक इंसान आपको कुछ बोल के चला गया, आपको गुस्सा करके चला गया या गाली निकाल के चला गया, वो तो चला गया, लेकिन र्यूमिनेशन अभी भी है, वो थॉट्स अभी भी हैं। तो इंसान तो जो बोल के चला गया, स्ट्रेस उसने दे दिया, स्ट्रेस हमारे अंदर आ गया फिर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी लॉस। हम क्या होता है, जितने भी लोग हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी फिजिकल एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, जितनी जोश से मैं सारा दिन काम करता था या करती थी, अब मेरे अंदर वो जोश ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं पाता, ये स्ट्रेस की निशानी है। स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे पहले स्लीप ही जाती है। सबसे पहले जब हम स्ट्रेसफुल होंगे किसी भी सिचुएशन में तो हमें नींद उड़ जाएगी। जितने हमारे डिसऑर्डर्स हैं, जितनी हमारी साइकोसोमैटिक पेन्स हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सबसे पहली निशानी है हमारी नींद उड़ गई है। नींद उड़ गई है, ये क्यों उड़ी है? क्योंकि स्ट्रेस है अंदर, ये स्ट्रेस के कारण उड़ी है। देन कम्स सैडनेस। हमारा मन उदास है, हम लो फील कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेस को तो हमने पहचान लिया कि स्ट्रेस तो है, कोई सिचुएशन आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, या हम उदास हैं, या हमें नींद नहीं आ रही, पर ये हुआ क्यों है, रीज़न क्या है? इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, कुछ रिसेंटली कोई ऐसी घटना हो गई है घर में या कहीं बाहर, कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से हो गया है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारी लाइफ में जो उस टाइम पे हील नहीं हुई, उसको वो अनहील रह गई है और उसने हमें कंटिन्यू स्ट्रेस दिया, अभी भी वो हमारे साथ चल रहा है। हमारा सब्सटेंस अब्यूज़, कोई भी हम नशा करते हैं उसके कारण हमें स्ट्रेस रहता है।
या हमें एंजाइटी रहती है किसी ना किसी वजह से, ये सब चीज़ें जो हैं ये कारण बनती हैं। और कई बारी बच्चे कहते हैं हमें बचपन में निग्लेक्टेड छोड़ दिया था, हमारा ध्यान नहीं रखा गया था, वो बड़े होके हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहा होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हमारे दो हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, ये क्या करते हैं, ये बढ़ जाते हैं, ब्रेन इसको ज़्यादा रिलीज करने लग पड़ता है। जब ब्रेन इन दोनों हार्मोन्स को ज़्यादा रिलीज करता है तो स्ट्रेस होता है, और इससे होता क्या है, हमारी बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती हैं। हमारे शरीर में जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आई हैं वो हमारी साइकोसोमैटिक पेन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पेन्स हो रही हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो वो जान के कर रहा है, जान के नहीं कर रहा होता। कई बार फैमिली कहती है तो जान के कर रहा, फिर इन्हें तो आदत पड़ी है, ऐ तो सिर बांध के ही बैठा रहता है हर वाले। इट्स नॉट लाइक दैट, उसके पीछे देर इज अ रीज़न, कोई ना कोई रीज़न है, वी नीड टू फाइंड आउट दैट रीज़न। वो स्ट्रेसर हमें ढूंढना है ताकि हम उस पर एक्ट कर सकें, उसको ठीक कर सकें। अब साइकोसोमेटिक की बात करेंगे, इतना इतना समझ आ गया सबको, इतना पता लगा, ठीक है। साइकोसोमेटिक की बात करेंगे, साइको से सबसे पहले है पेन्स, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्दें होती हैं, सिर में दर्द हो रही है, बॉडी एक्स हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, बैक एक हो रही है, बैक एक भी स्ट्रेस की निशानी है। देन सेक्सुअल डिसफंक्शन, कोई भी सेक्सुअल वीकनेसेस हमें हो रही है उसके पीछे भी स्ट्रेस ही है कहीं ना कहीं। हम लोग कितने डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं अपने चेकअप कराने, वो रीज़न तो निकलता नहीं है, बाद में पता लगता है इट वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। योनिंग, वासियां, बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं क्या है, सारा दिन वासियां ही आंदी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई नशा भी नहीं करता, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, फिर भी वासियां ही पता नहीं क्यों आंदी, ये भी एक सिम्टम है हमारे बॉडी का। देन चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन होती है और हम क्या करते हैं फटाफट ECG कराते हैं जाके, फटाफट हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, हमारी जो है हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाती है। हेडेक और माइग्रेन, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारा जो है ये साइकोसोमैटिक कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। मैंने बहुत बारी बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो हेडेक के लिए आते हैं, वो अपने सारे टेस्ट करा लेते हैं, MRI तक करा लेते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकली कुछ नहीं है, बस हेडेक नहीं जानती कोई। पर जब हम उसको अच्छे से कोर देखते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं तो देयर इज सम अंडरलाइन स्ट्रेस, हो सकता है वो आज नहीं है, वो पहले था, जो कि अनरिजॉल्व्ड हमारे इश्यूज रह गए हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए उसके कारण होता है। देन ओवर एक्टिव ब्लैडर, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में खास तौर पे, और कई बार बड़ों में भी, इवन ओल्ड एज वालों में भी, बार बार यूरिन के लिए जाना, बार बार पेशाब के लिए जाना, वो भी हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। उसमें भी कई बार हम कितने टेस्ट करा ले होते हैं कुछ भी नहीं निकलता, होता है एंग्जाइटी के कारण या स्ट्रेस के कारण है। देन स्किन रैशेस, हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुके होते हैं, कोई उनका रिजल्ट नहीं निकलता, अल्टीमेटली पता लगता है इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड इट वॉज स्ट्रेस इंड्यूस्ड। देन ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग, लोग कहते हैं मेरे सांस बंद हो गए, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे कमरे में घुटन महसूस होती है, मुझे फटाफट से बाहर जाना पड़ता है, दिस इज अगेन स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ये सारे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। मसल पेन्स, जितनी भी मसल्स है उसमें पेन हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रही है, हमें लगता है कि हमें पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, लेकिन होता वो स्ट्रेस की वजह से है। एसिडिटी बहुत कॉमन है, जलन होनी या एसिडिटी फील होना, डकार आने, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, ब्लोटिंग हो जानी, पेट में दर्द होना, हिचकियाँ भी आनी, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हिचकी आती है, वो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है एंड दिस इज साइकोसोमैटिक। देन टेंशन, टेंशन में हम टेंशन हेडेक लेते हैं उसको बोलते हैं, कि जब सिर दर्द हो रही है और उसकी वजह कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, टेंशन हेडेक्स बोलते हैं उसको, वो भी साइकोसोमैटिक है। IBS बहुत कॉमन है, IBS बताएगा कोई क्या होता है? IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार मोशन पास करने जाना, जब आपको एक्यूट स्ट्रेस होता है या कोई एंजाइटी होती है उसकी वजह से आप दिन में 4-5 बार मोशन पास करने जाते हो और आप इतने डिसकम्फर्टेड होते हो अपनी इस अनकम्फर्टेबल फीलिंग से
कि आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, हम गेस्टोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं, कई बार एंडोस्कोपी भी करा लेते हैं, इतना ज्यादा करा लेते हैं पर रीजन नहीं पता लगता कि उसके पीछे रीजन क्या है. देन क्रॉनिक फटीग, जैसे हमने पहले भी बात की है, हम थके थके रहते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि आप सब बोलोगे ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शरीर में होती हैं, इसका मतलब है हम डॉक्टर के पास जाए ही ना, इसका मतलब सारी दिमागी हो गई हैं. इसका करेक्ट आंसर ये है कि जब आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं और मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं आपको और आप उसी बीमारी में जूझ रहे हो, वो कोई भी हो सकती है, वो एक भी हो सकती है और सारी मिलके भी हो सकती है, उसमें आपको सिर्फ थकावट भी हो सकती है, उसमें आपको सिर्फ हेडेक भी हो सकती है, उसमें आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, उसमें आपका पेट दर्द भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है उसमें, ठीक है, उल्टियाँ आनी भी हो सकती हैं, हिचकियाँ आनी भी हो सकती हैं, एनी फिजिकल सिम्टम. व्हेन यू हैव विजिटेड एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिला, कॉन्स्टिपेशन भी है, बिल्कुल जी कॉन्स्टिपेशन भी है उसमें, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ही आ जाती है दोनों चीजें, लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन. आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिला, आपने सारे डॉक्टर्स को मिल लिया और मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं आप उसका ट्रीटमेंट कभी कहीं से सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम के लिए करा रहे हो, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं यहाँ है, उसका कहीं ना कहीं रीजन स्ट्रेस है. और स्ट्रेस को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे राइट टाइम पे तो हम इतना सफर नहीं करेंगे. हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं इतनी ज़्यादा अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं और हम जो नॉर्मल सी बात होती है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कई बार अगर कोई आपकी बेइज्जती कर दे तो आपको लगता है उससे कोई बीमारी हो सकती है. हमारा एक पेशेंट था, उसको गाउट्स होते थे, गाउट्स मतलब स्वेलिंग हो जाती थी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ स्वेलिंग. और वो पेशेंट कम से कम 2-2.5 साल से अलग अलग डॉक्टर से इलाज करा चुका था और ऑर्थोपेडिशियंस को भी दिखा चुका था, टेस्ट भी करा चुका था, पेट स्कैन तक करा लिया उस पेशेंट ने. और जब हमने पूछा कोई प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन, कोई स्ट्रेस, कहते नहीं नहीं स्ट्रेस तो उसको ही नहीं हुआ. फिर हमें थोड़ा सा टाइम लगाया, थोड़ा हिस्ट्री एक्सप्लोर की सब कुछ, तो पता लगा. देन द पेशेंट टोल्ड अस, मेरे भाई के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी, उसने मेरी बेइज्जती की, बस यही एक प्रॉब्लम हुई थी मेरी लाइफ में. जिस दिन उसने बेइज्जती की उसके थोड़े दिनों बाद मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. यहाँ तक कि एक बार ही हमने एक छोटा सा बच्चा देखा था जो 8 साल का था, जिसको 99 फीवर कंटिन्यू ही रह रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था. और जब उसके सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो पता लगा अंडरलाइंग कॉज वॉज स्ट्रेस. वो पढ़ना नहीं चाहता था, उसको पढ़ाई का डर होता था. सो हम अपनी बॉडी अगर हमें कुछ सिग्नल्स दे रही है तो उसको हम पहचाने टाइम पे और हम उसका सही ट्रीटमेंट कराएं ताकि हम टाइम पे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें. ये देखो स्किन रैश मैंने लिखा, स्किन रैश एलर्जी, लग जाना, कोल्ड फ्लू, जी कोल्ड फ्लू एलर्जी, ये सारी साथ में इन्वॉल्व है. जी ये सारा कुछ होता है, ये सारी जो सिम्टम्स है. पर प्रॉब्लम भी पता है क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है ये फिजिकल है. मैंने तो बता दिया है साइकोलॉजिकल कंडीशन होती फिजिकली है, ठीक है, और जान के नहीं कोई कर रहा होता. पर हम क्या करते हैं, हमें लगता है फिजिकल प्रॉब्लम है इसका, तो फिजिकल डॉक्टर के पास जाके इलाज. और जब फिजिशियंस या बाकी डॉक्टर अक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर कहते हैं आप जाओ साइकैट्रिस्ट के पास, अब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये आपको साइकोसोमेटिक हो रही है. हमारे पास कितने चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं जो पेशेंट्स को या बच्चों को भेजते हैं, सा नहीं आंदा पे, सा बड़ा औखा आंदा पे, वो सारे चेस्ट के टेस्ट कर लेते हैं और पता लगता है स्ट्रेस इज द रीजन. सो साइकोसोमेटिक हमारी जो पेन है उसको हम इग्नोर ना करें. और हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि इसकी हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, इसके लिए करना क्या चाहिए. ठीक है जी, थैंक यू.